हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज हम बनाएंगे दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है सबसे पहले दही, फिर हमें चाहिए 1 टीस्पून अजवाइन, 1 चम्मच हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है और 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 3 चम्मच जीरा और 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर हमें चाहिए चाट मसाला, पुदीने के पत्ते इन्हें पहले ही धो लिया है, हरी मिर्च, प्याज को मैंने पहले ही बहुत छोटा छोटा काट लिया है। फिर हमें चाहिए दूध और फिर हमें चाहिए दाल। दाल हम लेंगे उड़द की दाल और उसके बीच में थोड़ी सी हम डालेंगे चने की दाल। इन्हें हमने रात को ही भिगो लिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 से 5 घंटे पहले भी इसे भिगो के रख सकते हैं। तो अब हम भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीने और हरी मिर्च का पेस्ट। तो पुदीने का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार में पुदीना ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे हरी मिर्च, इसकी डंडी अलग कर देंगे और अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो अब हमारा पुदीना और हरी मिर्च जो है वो ग्राइंड हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारा पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा भल्ले बनाने का। उसके लिए हम ये जो हमने भिगोई हुई दाल ली है इसको हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे जब भी हमें लगेगा कि ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे हमने अब फेंटना है। आपने इसे कम से कम 10 मिनट तक फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर आपने राइट हैंड साइड को स्टार्ट किया है तो इसे राइट हैंड साइड को ही फेंटेंगे 10 मिनट के लिए। तो अब हमें इसे फेंटते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं दाल थोड़ी फूल गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे रेस्ट करने, तब तक हम दही भल्ले का मसाला रेडी कर लेंगे। तो दही भल्ले का मसाला बनाने के लिए मैंने एक तवे को हीट कर लिया है। अब इस पे मैं डालूंगी जीरा और अजवाइन। जीरा और अजवाइन की क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बताई है। जीरा हमने लिया है 2-3 चम्मच और अजवाइन हमने ली है 1 चम्मच। इसे हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो अब ये रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें बाकी के मसाले मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर के लिए है, इसमें हमने 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है और 2 चम्मच चाट मसाला। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे और एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इस मसाले को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसके भल्ले बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने मिक्सचर रख लेना है और साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले हम अपने हाथ को पानी से थोड़ा गीला करेंगे ताकि ये दाल जो है हमारे हाथ पे चिपके नहीं। फिर जितने भी साइज के आपको बनाने हैं उतनी सी दाल आप अपने हाथ पे लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसी सेम तरीके से आप बाकी के भल्ले भी बना लेंगे। अब इन सबको आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और तेल भी आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्म तेल होगा तो ये बाहर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब ये फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारे भल्ले जो हमने तल लिए थे उसे हम थोड़े कोसे पानी में डाल के रख लेंगे थोड़ी देर के लिए और तब तक
हम अपना दही रेडी कर लेंगे। तो अब हम भल्ले का दही बना लेंगे। तो हमने इसमें दही ले लिया है, इसको पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे और थोड़ा पतला कर लेंगे। पतला करने के लिए हम इसमें हल्का हल्का दूध ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून भल्ला मसाला जो हमने बनाया है और पुदीने का मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफेद नमक। तो अब हमारा ये दही रेडी हो गया है। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे भल्ले, वो हम पानी से निकालेंगे और उनका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लेंगे। हमने ये भल्ले पानी से निकाल लिए हैं, अब हम इन्हें दही में डाल देंगे। तो अब हमारे भल्ले रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आप प्याज भी गार्निश कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।